दोस्तों किसी भी कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा जो हमने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम किसी दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमारे पास हमारा कंप्यूटर नहीं है, लेकिन जो भी हमने कंप्यूटर पे काम किया हुआ है वो सभी इम्पोर्टेंट डाटा हमें दूसरी जगह पे एक्सेस करना है, तो दोस्तों अगर आप पेन ड्राइव में लेके जाते हैं, मान लीजिए अगर पेन ड्राइव खो गया तो फिर आप क्या करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके कंप्यूटर में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसका साइज कितना भी हो, जैसे 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, मैक्सिमम 20 GB तक है, आपका जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है 20 GB तक है, आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और कहीं भी जा करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, किसी को भी डाटा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक कंप्यूटर पे काम करने वाले के लिए 20 GB डाटा बहुत होता है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है ऑनलाइन सेव कैसे करते हैं। तो सीखने के लिए इस वीडियो में साथ है, लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो जैसे अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट डाटा ऑनलाइन सेव करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, एड्रेस बार में जा करके एक वेबसाइट टाइप करना है mega.io और इंटर कर देना है। इंटर करते ही ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट मेगा अकाउंट टू गेट 20 GB फ्री स्टोरेज, इस वाली वेबसाइट में अकाउंट बना करके 20 GB डाटा बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर टाइप करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और ये देना है पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के लिए आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, और इन दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पे आप ईमेल आईडी देंगे उस पे एक लिंक आएगा, आपको लिंक पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोबारा से इस वाली वेबसाइट को ओपन करके आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इस वाली वेबसाइट में विंडोज 7 का आईएसओ फाइल सेव किया हुआ है, इसका साइज 6 GB के आसपास है। कितना आप यूज कर सकते हैं यहां पर दिया 3 डॉट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखा देगा 20 GB तक इस वाली वेबसाइट में ऑनलाइन डाटा सेव कर सकते हैं। मैंने यहां पर अभी तक यूज किया है 6 GB के आसपास। डाटा अपलोड करने के लिए अगर आपको यहां पर एक फोल्डर बनाना है तो यहां पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करके आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं, जैसे यहां दे दिया मैंने माई फाइल से और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये बन गया है एक नया फोल्डर। इसे ओपन करने के लिए आपको इस पे डबल क्लिक करना है, आपके कंप्यूटर में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसे अपलोड करने के लिए ये दिया अपलोड का बटन है। इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फोल्डर अपलोड, फाइल अपलोड। अगर आपको पूरा फोल्डर अपलोड करना है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर एक सिंगल फाइल है तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर सेव किया हुआ है इम्पोर्टेंट फोटोज, इसे मुझे अपलोड करना है इस वाली वेबसाइट में। तो इसका साइज कितना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दिया। इसका साइज है 38 MB और इसमें टोटल 80 फोटोज है, मुझे यहाँ पर ये पूरा फोल्डर ही अपलोड करना है। तो यहाँ पर चला गया वेबसाइट में और ये दिया अपलोड, इसके अंदर दिया हुआ है फोल्डर अपलोड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मेरा फोल्डर यहाँ पर सेव है डेस्कटॉप पर, तो मैं आ गया डेस्कटॉप पर और इम्पोर्टेंट फोटोज ये रहा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया अपलोड। आपको यहाँ पे दिखा भी देगा इस वाले फोल्डर के अंदर टोटल कितनी फाइल्स है, अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपकी फाइल है अपलोड होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ पे दिखा देगा परसेंटेज, 100% होते ही सभी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये सभी फाइल कितनी देर में अपलोड होगी ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके फाइल के साइज पर। तो सभी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है, अपलोड होने के बाद आपको इसे कैंसिल कर देना है। दोस्तों इस वाली वेबसाइट में आप जो भी अपलोड करेंगे सभी को एक साथ देखने के लिए ये दिया हुआ है क्लाउड ड्राइव, इस पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद ये दिया रिजेंट, लास्ट में आपने क्या क्या अपलोड किया है। आपको किसी फाइल को डिलीट करना हो तो यहाँ फाइल के नीचे दिया हुआ है 3 डॉट, इस पे क्लिक करके नीचे यहाँ पे दिया रिमूव, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे करना है यस। जो भी आप फाइल रिमूव करेंगे आपको यहाँ पर रबिश बिन में दिखा देगा, जैसे कंप्यूटर में होता है रिसाइकल बिन, और यहाँ से भी जब आप डिलीट कर देंगे तो हमेशा क्लिक वाली वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको किसी को शेयर करना हो तो सिंपली आपको फाइल के नीचे दिया हुआ है डॉट, इस पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं, ये दिया हुआ गेट लिंक, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे जो लिंक दिया हुआ है इसे कॉपी करके जिसे भी आप व्हाट्सएप या ईमेल करेंगे तो आपकी फाइल को वो डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों इस वाली वेबसाइट के अंदर जो भी आप डाटा सेव करेंगे वो आपको बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अगर आपको 20 GB से ज्यादा स्टोर करना है तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके ये दिया है अपग्रेड का बटन, इस पे क्लिक कर देना है। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर सभी प्लान दिए हुए हैं। अगर आपको 400 GB तक स्टोर करना है तो जिसके लिए आपको
421 रुपए पर मंथ पे करना होगा। और 1 TB तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 TB तक स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए आपको 844 रुपए पर मंथ पे करना होगा। यहाँ पर सभी प्लान दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। दोस्तों, इस वाली वेबसाइट में और क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जैसे आपको यहाँ पे दिया प्रोफाइल, आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। प्रिफ्रेंस है जिसमें आप इस वाली वेबसाइट को लाइट कर सकते हैं, डार्क में कर सकते हैं, ये देखिए। ऐसे ही यहाँ पे दिया प्लान है, स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। ये दिया पासवर्ड, ईमेल आईडी, और भी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्लिक करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपने देखा दोस्तों, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है उसे हम ऑनलाइन सेव कैसे करते हैं, और सेव करने के बाद कहीं भी एक्सेस करना हो या फिर किसी को भी शेयर करना हो तो कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज भी इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।